अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ सांभर की रेसिपी, जिसमें मैंने दो कटोरी दाल ली हूँ, तुअर की दाल जिसको अरहर की दाल भी बोलते हैं, और उसमें मैं ये एक प्याज ली हूँ मोटा मोटा, और एक टमाटर, पुदीना, हरी मिर्ची, और ये मैंने गर्म पानी में एक मुट्ठी इमली भिगा दी हूँ, और ये सांभर में जाने वाली बैंगन है, तो फली है, और ये मैंने दूधी ली हूँ लौकी, भोपला नहीं मिला मेरे को तो मैंने वो ली हूँ, और सांभर के लिए जाएगा MDH का सांभर मसाला। तो अभी मैं तैयार करती हूँ, दाल चढ़ाती हूँ और भाजी में अलग डालूँगी उबलने। तो अभी मैं पहला चढ़ा लेती हूँ, एक पे दाल रख दी हूँ उबलने कुकर में, और एक में मैं ये सब भाजी रख दी। ये भाजी को मैं सिर्फ 5 मिनट उबालूंगी और दाल को मैं गला लूंगी, क्योंकि ये स्टैंड मेरा छोटा है ना, इसलिए दाल दिख रही नहीं। ये दाल में मैंने टमाटर, थोड़ा सी कांदा और हरी मिर्ची डाली है, तो मेरे हिसाब से बना रही हूँ। बघार करने में इसमें बघार के लिए कड़ी पत्ता और राई डालूंगी मैं, और अदरक लहसुन भुनने में डालूंगी, और ये सांभर के साथ मैं इडली बनाने वाली हूँ। इडली की वीडियो भी है मेरे चैनल पर, इडली बनेगी सांभर इडली, साउथ इंडियन खाना। तो मेरी भाजी उबल गई है, क्योंकि अभी ये भुनने में भी पकेगी ना, इसलिए मैंने सिर्फ 5 मिनट उबाली है, और अभी दाल होने आई है, दाल की अभी पहली सुखी होगी। इसमें मैं 2 चम्मच डालूंगी मेरे अंदाजे से, तेल गरम कर दूंगी, फिर इसमें राई डालूंगी, कड़ी पत्ता और कांदा, इसमें राई डाल दी 1 चम्मच के करीब, और राई फूटेगी तो मैं कड़ी पत्ता डालूंगी, थोड़ा तो गर्म में रहेगी ना तो आराम भी लगेगा, तो गर्म बर्दाश्त नहीं होगा, तो आग धो ले। राई फूली है जिसमें कड़ी पत्ता जाएगा, और ये मोटा मोटा जो कांदा मैंने करी है वो जाएगा, और ये जो भाजी मैंने जो बॉइल करी है उसका पानी निकाल दूंगी। भाजी ये कांदे को ज़्यादा लाल नहीं करने का, थोड़ा दिखे उसमें, और ये आधा टमाटर पूरा मिला के मैंने 1 टमाटर दिखे, जिसमें से आधे से भी कम मैंने इसमें डाली और आधा मैंने दाल में डाली। और इसमें भी मैं डालूंगी थोड़ा मिर्ची पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर, दाल में मैंने हल्दी डाली है, ये बराबर हिसाब से डालूंगी, थोड़ा धनिया पाउडर डालूंगी इतना, इसको अच्छा भूनूंगी, फिर इसको मैं एरोस मसाला डालूंगी, चम्मच की मदद से ये 1 चम्मच, ये 2 चम्मच, और कभी लगा तो मैं ऊपर से और डाल दूंगी। और अभी मैं इसमें ये भाजी डाल दूंगी जो मैंने बॉईल कर ली थी। कोई कोई भाजी में दाल भाजी एक साथ लगाते हैं, मगर भाजी एकदम मैश हो जाती है। अभी इसमें मैं भाजी भूनूंगी,
इसमें थोड़ा गलाऊंगी, मैं बॉईल में थोड़ी आधी गल गई है और आधा भी मसाले भुनने में गलाऊंगी। और अभी इसमें मैं एक चम्मच अदरक लहसुन भी डालूंगी। ये इतना बड़ा भर के अदरक लहसुन एक चम्मच और थोड़ा सी और इसमें मैं थोड़ा पानी डालूंगी, ज़्यादा नहीं थोड़ा ही, ये भाजी को थोड़ा ये मसाले में पकने दूंगी। मेरी भाजी सब देख लेती हूँ गल गई है तो गल गई है, इसमें मैं दाल डालूंगी तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। कुकर भोकी भी डालूंगी मैं, कुकर भोकी भी पानी डालूंगी मैं, ज्यादा घट नहीं बनाऊंगी मैं। अभी मैं इसमें नमक टेस्ट करूंगी, देखती हूँ नमक, नमक अगर कम रहा तो मैं नमक डालूंगी, नमक कम है और इसमें सांभर मसाला भी कम है वो भी डालूंगी। मसाला मैं पानी में घोल के डालूंगी, नहीं तो ऐसा डालूंगी तो गाठ गाठ हो जाएगी। मैं मसाला पानी में घोल के डाल रही हूँ सांभर मसाला, ऐसा डालूंगी तो पूरी गाँठ जम जाएगी, इसलिए ऐसा घोल के डाल। थोड़ा पकने के टाइम पे डालूंगी पॉट में, नमक भी डाली हूँ मैं, अभी टेस्ट करके बताती हूँ नमक बराबर होते हुए। अभी मैं इमली का पानी भी डालने वाली हूँ, इमली का पानी डाल रही हूँ। ये अगर पहले डाल देती भाजी ऐसी में तो भाजी नहीं गलती, इसलिए मैंने इमली का पानी लास्ट में कर लिया। एक बॉयल आएगा तो मैं उसमें टेस्ट करके बताती हूँ। सामान तैयार हो गया, अभी मैं इसको इडली के साथ सर्व करके बताऊंगी। तो तैयार हो गया हमारा इडली,
ये इडली भी मैंने घर में बनाई हूँ, इसकी इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे है। और ये चटनी चटनी भी मेरे चैनल पे, अगर ये चटनी मैंने अलग बनाई हूँ, अगर आपको इस चटनी की रेसिपी देखना है तो कमेंट में बोलना। और ये हमारा सांभर, ये सांभर, सांभर में भी मैंने ऊपर से बघार करी हूँ ये लाल मिर्ची का और राई का। तो ये सांभर, ये चटनी और ये इडली, इडली भी एकदम सॉफ्ट बनी है मेरी, तोड़ के भी बताती हूँ, एकदम सॉफ्ट इडली है देखिए। तो जिस किसी को भी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। और वीडियो कोई देखता नहीं है बराबर से, स्किप कर करके सब देखते हैं, तो वीडियो पूरी देखो तो समझ में आएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जब तक का खुदा हाफिज़। और अभी इसका थोड़ा वो बना रही हूँ मैं।